मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर लोग मुझे बोलते हैं आप टेलीविजन से हो तो मैं प्राउडली बोलती हूँ यस yes, आई एम जो तो मुंह पे अच्छे बनते हैं और पीछे uh, ट्रोल्स है उनका क्या आई एम डेटिंग सम कॉल्ड फ्रेडी दारू वाला देखा जा रहा है मोस्टली टीवी के जितने एक्ट्रेस थे सारे आ, मतलब डेब्यू कर ही रहे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिल ही रहे हैं बट बाद में जब उन्हें ना अगर टीवी का टैग दिया जाता है कि हाँ ये टीवी एक्टर थे तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो कहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको टीवी वी एक्ट्रेस बुलाया गया तो आपको मतलब अंदर से आप थोड़ा बिल्कुल नहीं मेरे लिए टेलीविज़न मीन्स एवरी मैं आज अगर यहाँ हूँ अगर मैं फ़िल्म कर रही हूँ ओ कर रही हूँ इट्स ओनली बिकॉज कि मैंने टेलीविज़न में अपने लिए एक स्टैंड बनाया और वहाँ से मैं यहाँ पहुँची हूँ इफ़ नॉट फॉर टेलीविजन मैं कुछ नहीं हूँ और आई रियली रिस्पेक्ट टेलीविज़न लॉट इट हैज़ गिवन मी एवरी थिंग आई हैव टू डे एंड आई एम एबल टू बी कम्फर्टेबल एंड चूज़ द वर्क दैर आई वॉन्ट बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क दैर आव डन ऑन टेलीविज़न सो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर लोग मुझे बोलते हैं आप टेलीविजन से हो तो मैं प्राउडली बोलती हूँ येस आई एम आई एम मोर देन हैप्पी टू बी नाइस ऑल्सो सोशल मीडिया कितना इन्जॉय कर रही हूँ बिकॉज पब्लिक फिगर होने के नाते कई बार सोशल मीडिया भी मतलब उस पर होना भी अपने लिए uh, गलत हो जाता है कई बार क्योंकि जो फैंस होते हैं कई बार होते फेक आईडी बना के लोग ट्रोल करते हैं मतलब आप समझ गए मैं पूछना क्या चाहती हूँ मतलब ट्रोलिंग इन शॉर्ट अगर सोशल मीडिया की वजह से जो होती है एक्टर्स को फेस करना पड़ता है बिकॉज़ वी नेवर नो एक्टर किस फेज़ में है दिमाग में क्या चल रहा है क्या काम है बट हाँ वो एक कॉमेंट की वजह से कई बार हिट कर देता है तो आपके साथ कभी हुआ ऐसा एंड क्या आपको ऐसे नेगेटिव कॉमेंट से फ़र्क पड़ता है पड़ता था शुरू शुरू में अब नहीं पड़ता है मैं सोशल मीडिया पे हूँ एंजॉय करने के लिए Uh, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या सोचता है अगर इतना सोचने लगोगे तो फिर आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे तो मैं काफ़ी इन्जॉय करती हूँ अपने सोशल मीडिया को पोल्स uh, uh, करती हूँ कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ टाइम पास करती रहती हूँ जो फ़ोटोज़ मुझे अच्छे लगते हैं मैं वो पोस्ट करती हूँ लोगों को अच्छा लगे ना लगे लाइक्स आए ना आए मैंने कभी देखा भी नहीं है और मुझे देखना भी नहीं है कमेंट्स अगर आते हैं कभी कभी स्क्रोल करती हूँ ऑफकोर्स करती हूँ कभी कभी नहीं भी पसंद आते हैं कुछ कमेंट्स बट इट्स ओके सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं मुझे उन लोगों से डर बिल्कुल नहीं लगता है मुझे तो अपनों से डर लगता है जो रियल लाइफ में ट्रोल्स घूमते हैं उनका क्या जो मुंह पे अच्छे बनते हैं और पीछे आ, ट्रोल्स है उनका क्या तो ये जो ऑनलाइन लोग हैं वो तो मैं उनको जानती तक नहीं हूँ तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा अगर मैं उन्हें पर्सनली जानती नहीं हूँ तो उनकी बातें मैं पर्सनली कैसे ले सकती हूँ लेकिन जो लोग मैं पर्सनली जानती हूँ अगर वो बातें करेंगे तो फिर फर्क पड़ता है कभी यानी आपने एक्सपीरियंस ऐसे जी बिल्कुल आपके साथ उठने बैठने वाले ही बाद में पीछे जी बिल्कुल जी। बहुत बार बहुत आई फील लाइक बहुत लोगों का फ्लेक्स होता है कि uh, किसी के बारे में कुछ बोल दो तो बाकी को उनको इतना अच्छा न, hmm. ना लगे यू नो यू आर समाइम लव पीपल एंड पीपल आर जेलेस ऑफ दैट तो uh, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मेरी बुराई जरा सोच कर करना मेरी बुराई जरा सोच कर करना तुम्हारे अपने भी मेरे चाहने वाले <laughs> ये बहुत सही था मतलब कि हमें पता तो सब है मतलब प्रिटेंड करना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है hmm. आप यहाँ सा बोलो पीछे जाके कुछ और बट वो तो आना ही है मेरे तक ऑफ कोर्स आना है मेरे तक बट आपने कभी क्रॉस चेक नहीं किया जब अभी क्यों करूँ सो इंट सो इट क्यों करूस और अगर पानी सर से ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स करूंगी बट uh, नहीं मन होता साफ से इंटरेक्ट नहीं करना चाहती हूँ ऑल्सो क्रिस्टल एक चीज़ और जानिए मुझे आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री में कोई ऐसी हेडलाइन जो पढ़कर आप बहुत हंसे थे लेकिन फिर बाद में गुस्सा भी आया था सोच सोच कर uh, मैंने एक हेडलाइन पढ़ा था कहीं पे कि आई एम डेटिंग सम गाय और फ्रेडी दारू वाला जो मैं उनको कभी मिली भी नहीं हूँ तो हंसी भी आई गुस्सा भी आया समझ भी नहीं आया फिर मैं लाइफ में उनसे मिली हूँ तो पता चला कि उनके लाइफ में कोई और क्रिस्टल है okay. और मैं नहीं हूँ बट यस गुस्सा मुझे अब नहीं आता है आई फील लाइक जिसको जो लिखना है लिखो एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अफेक्टिंग माई फैमिली आई एम फाइन लिख लो